दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में यदि आप सर्च कर आए हैं कि सिम कार्ड यदि आपने पोर्ट करवा दिया और वो सिम कार्ड कितने दिन बाद चालू होता है, कितने दिन बाद चालू होता है और चालू होने के बाद कैसे आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं और उसमें आपको डाटा प्लस नेट कैसे मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, VI हो या VSNL हो, कोई कंपनी हो, मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देकर जाऊंगा ताकि इस वीडियो को 2 मिनट देखने के बाद आप आसानी से अपना सिम कार्ड एक्टिवेट कर पाएंगे या अभी आपने सिम कार्ड पोर्ट किया है तो कितना दिन लगेगा और कैसे आपको चालू करना पड़ेगा और रिचार्ज कैसे मिलेगा पूरी जानकारी। चलिए मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ। इसके पहले एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हर एक कंपनी के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सिम कार्ड के बारे में। दोस्तों सिम कार्ड कितने दिन में पोर्ट होता है, दोस्तों इम्पोर्टेंट बात, लोग जहाँ पे भी आप पोर्ट कराते हैं या आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कैंप वाले होते हैं, वो बोलते हैं 3 दिन में आपका सिम कार्ड चालू हो जाएगा और पुराना वाला सिम कार्ड बंद हो जाएगा। तो आप पास खुशी खुशी करा लेते हैं लेकिन 3 दिन से ज़्यादा दिन लग जाता है तो आप घबरा जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि सिम कार्ड पोर्ट कराने में एयरटेल, VI, जियो 3 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, लेकिन यदि बीच में आपका संडे यानी रविवार है तो आपका 4 दिन भी लग जाएगा। दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, 4 दिन लग जाएगा लेकिन उसके बाद आपको 4 दिन बाद सिम कार्ड एक्टिवेट होगा और आपका ओल्ड वाला सिम कार्ड तभी नेटवर्क गायब हो जाएगा। जब ओल्ड वाला सिम कार्ड नेटवर्क बंद होगा तभी आपका न्यू सिम कार्ड एक्टिवेट होगा। अब एक्टिवेट होने के बाद उसमें जब आप लगाते हैं तो नेटवर्क आ जाता है लेकिन आने के बाद अब उसे वेरीफाई करना होता है। जो आप वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको ध्यान समझाता हूँ। सपोज दैट आपके पास जियो सिम कार्ड है, सभी कंपनी के बारे में बताऊंगा, तो जियो सिम कार्ड को 1977 पे कॉल करना है। कॉल करने के बाद वो आपसे हिंदी के लिए लैंग्वेज पूछेगा, वो आप दबा दीजिएगा। हिंदी के लिए लैंग्वेज दबाने के बाद अब आपसे वो 5 अंक का OTP मांगेगा। तो अब 5 अंक का OTP उस अल्टरनेटिव नंबर पे गया होगा जो आपने दिया था सिम पोर्ट करते वक्त। तो आपके पास नहीं है तो आप घबराइएगा बिल्कुल मत, आपके पास आधार कार्ड ज़रूर होगा। तो वो 3 से 4 बार आपसे बोलेगा कि आपके अल्टरनेटिव नंबर पर भेजा गया 5 अंक का OTP डालें, आपको नहीं डालना है। लास्ट में ऑप्शंस बताएगा, यदि आपके पास अल्टरनेटिव नंबर नहीं है तो एक्टिवेट करने के लिए आधार कार्ड के लिए 2 दबाएं। तो आपको आधार कार्ड के लिए जो ऑप्शंस बोलेगा वो आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपसे आधार कार्ड के लास्ट 4 अंक का डिजिट, जो 12 अंक होता है, आखिरी 4 अंक मांगेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपका होगा लास्ट 4 अंक 1996 1995 जो भी होगा वो डालना पड़ेगा। डालने के बाद आपका सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। अब रिचार्ज जियो में आपका तुरंत मिल जाएगा क्योंकि उसमें पेड MNP होता है। अब बात करते हैं एयरटेल का। एयरटेल 5909 पे कॉल कर वेरीफिकेशन किया जाता है। 5909 पे कॉल कर आप वेरीफाई करेंगे, उसमें भी टाइमिंग सेम रहता है जो मैंने अभी आपको बताया 3 से 4 दिन। तो 5909 पे कॉल कर जब आप वेरीफाई करेंगे तो उसमें भी सेम प्रोसेस है। हिंदी के लिए लैंग्वेज मांगेगा, दबा दीजिएगा। 5 अंक का OTP यदि आपके अल्टरनेटिव नंबर पर है तो मिल जाएगा, वरना नहीं है तो आधार कार्ड से वेरीफाई करिएगा जैसे मैंने आपको बताया, तो अभी आपका चालू हो जाएगा। लेकिन एयरटेल सिम कार्ड में इंपॉर्टेंट बात, वहाँ पे रिचार्ज नहीं मिलेगा आपको। जो भी रिचार्ज किया रहेगा, MNP किया रहेगा, यदि उसमें रिचार्ज नहीं मिलता है तो आपको उससे संपर्क करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे जाएंगे तभी आपका रिचार्ज मिलेगा, तभी आपका डाटा चलेगा और कॉल होगा। बाकी वेरीफिकेशन आप कर सकते हैं जो बताया गया है। VI सिम कार्ड का भी सेम प्रोसेस है, 5909 पे कॉल कर करना पड़ता है, लेकिन उसका भी रिचार्ज आपको नहीं मिलता है तो आपको उससे संपर्क करना पड़ेगा और इसमें भी 3 से 4 दिन लगेगा। तो नो टेंशन, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वीडियो मैंने आपको बता दिया और आपको हर एक कंपनी का नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर जाइएगा। मैं वादा करता हूँ आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा।